कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी के साथ 119 यात्री हर रोज 7 घंटे पैदल चलकर लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कई लोगों को लगता है कि ज्यादा पैदल चलने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरत से ज्यादा चलने से पैरों पर बुरा असर भी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट गौरव आहलूवालिया का कहना है कि पैदल चलते टाइम हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे बॉडी पॉस्चर ठीक रहता है। इसलिए वॉक करते टाइम सिर ऊपर की ओर रखें और कंधों को नेचुरल तरीके से मूव करें, पीठ सीधी रखें, बाहों को घुमाएं और कोहनी को हल्का सा झुकाएं। वॉक करते टाइम हमेशा आगे या सामने देखें, नीचे जमीन पर नहीं। साथ ही एक पैर को आगे और दूसरे पैर को पीछे रखकर ही वॉक करें। जर्नल जामा इंटरनल मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्दी रहने के लिए इंसान को डेली 4400 कदम जरूर चलना चाहिए और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 7500 कदम ही चलना चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट गौरव आहलूवालिया का मानना है कि वॉक करने की कैपेसिटी इंसान की लाइफस्टाइल और बॉडी पर डिपेंड करती है, इसलिए शुरुआत 1000 कदमों के साथ करें और फिर धीरे धीरे अपनी वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ाएं। अब बात की राहुल गांधी की यात्रा में जो लोग रोजाना 7 घंटे चलते हैं, इसका असर उनकी सेहत पर कैसे पड़ सकता है। इतने लंबे टाइम तक वॉक करने के लिए हाइड्रेशन, एनर्जी और रिकवरी बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर वॉक करने वाले इंसान की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो मसल्स में सूजन और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसलिए ब्रेक देकर चलने के साथ रिकवरी का ध्यान रखना जरूरी है। तो वहीं कॉन्क्रीट और डामर रोड पर चलने से एंकल और घुटने के ज्वाइंट पर असर पड़ता है, जिससे ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो सकती है। लगातार पैदल चलने से व्यक्ति के घुटने, पैरों में दर्द और सूजन होने के साथ ही एंकल पर ब्लड लेवल ऊपर नीचे होने से स्किन काली हो जाती है। इसलिए अगर आपका चलना या दौड़ना ज्यादा हो तो आप नियमित रूप से पैरों की एक्सरसाइज करें और दर्द महसूस होने पर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। ज्यादा वॉक करने से बॉडी एग्जॉस्ट होती है और उसके बाद वॉक करने का कोई फायदा नहीं होता, जबकि इसके कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन होना, भूख ना लगना, वजन घटना, थकान बनी रहना, इन्फेक्शन, सर्दी और सिर दर्द होना। इसके अलावा चलने की स्पीड उतनी ही होनी चाहिए जितने में आपका मैक्सिमम हार्ट रेट लगभग 50-70% रहे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।